हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर्स कैसे याद कर सकते हैं, हाउ टू मेमोराइज नंबर्स। यहाँ पर आप एक बाउल देख रहे हैं, उस बाउल में मैंने अलग अलग तरह की स्लिप बना के रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए किया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से नंबर मेमोराइज करके रखा हुआ है, और मैं एट ए टाइम जस्ट यहाँ से एक स्लिप निकालूंगा और उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ वो मैं आपको दिखाकर यहाँ पे लिखूंगा, राइट। उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि उस नंबर को मेमोराइज कैसे करना है वो आपको एक्सप्लेन करूं, राइट। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने ये स्लिप निकाली और इस पे लिखा हुआ है नंबर 37, राइट। तो यहां पे लिखता मैं, ओके। देन यहां पे एक और नंबर है, यहां पे मैं निकाल रहा हूं, राइट, देखिए नंबर 14, राइट, मैंने यहां पे लिख दिया। यहाँ पे एक और नंबर है 01, राइट। जीरो टू, यहाँ पे 63, यहाँ पे 20, राइट। यहाँ पे 07, सेवेंटी सेवन, 90, 09, 52, 22, 81, 92, 50, 43, 37, 66,
71 72 47 और यहाँ पे लास्ट नंबर में नोट कर रहा हूँ 12। तो अभी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस लिस्ट को याद करने में आपको काफी टाइम लग सकता है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं, जब भी आपने नंबर याद करने की कोशिश की, जब भी आपने एटॉमिक नंबर याद करने की कोशिश की, बॉइलिंग पॉइंट नंबर याद करने की कोशिश की, हिस्टोरिकल डेट्स याद करने की कोशिश की, तो आपको काफी टाइम लगा। इवन आप कभी कभी भूल भी जाते हैं उनको या कन्फ्यूज करने लगते हैं। तो देखते हैं इस तरह के अगर नंबर को याद करना हो एक बार पढ़ के तो क्या ये पॉसिबल है। मैं कोशिश करता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर इस तरफ नहीं देखूंगा और अपनी आंखें क्लोज रखूंगा ताकि आपको लगे कि मैं सिर्फ अपने माइंड से बोल रहा हूं। सबसे पहले है 3 7 1 4 0 1 0 2 6 3 2 0 0 7 8 3 1 9 8 7 7 7 5 8 2 9 0 0 9 5 2 2 2 8 5 2 1 9 2 5 0 4 3 3 7 6 6 7 1 3 2 4 7 एंड लास्ट में है 1 2। राइट। और इसी नंबर को अगर मैं चाहूं तो रिवर्स ऑर्डर में भी आपको सुना सकता हूं, क्योंकि ये नंबर मुझे इतनी अच्छे से याद हो चुका है। सबसे नीचे है, अगर नीचे से स्टार्ट करें तो नीचे सबसे पहले है 2 देन 1 देन 7 4 2 3 1 7 डबल 6 7 3 3 4 0 5 2 9 1 2 5 8 double 2 2 5 9 0 0 9 2 8 5 7 double 7 8 9 1 3 double 8 7 0 0 2 3 6 2 0 1 0 4 1 एंड लास्ट में है 7 3। तो आई होप मैंने नंबर सी सही बोला होगा, मैंने इवन देखा भी नहीं यहाँ इस तरफ। किसी आंसर के पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी आंसर के हो सकते हैं, किसी पैराग्राफ के हो सकते हैं, या करंट अफेयर्स में जीके याद करनी हो, कंट्री के कैपिटल याद करने हो, उनके नाम याद करने हो, उनकी पार्लियामेंट और करेंसी के नाम याद करने हो, साइंटिफिक टर्म याद करनी हो, मिनिस्टर के नाम और उनकी पोर्टफोलियो याद करनी हो, इन्वेंटर का नाम याद रखना हो, बुक के ऑथर का नाम याद रखना हो, बायोलॉजी के डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने हो या वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हो। अगर हमें किसी नए वर्ड को याद करना हो तो हम क्या करते हैं? हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं, उसे बार बार बोल बोल के याद करते हैं।
राइट। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स इन्हें भूल जाते हैं या कंफ्यूज करने लगते हैं, क्यों? फ्रेंड्स, हालांकि ह्यूमन ब्रेन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकता है, उसे स्टोर कर सकता है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। आपका ब्रेन सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो आपके लिए पिक्चरफुल हो, जो आपकी ब्रेन में किसी पिक्चर के साथ कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो। अगर आप मीनिंगलेस एब्स्ट्रैक्ट या डिफिकल्ट वर्ड याद करना चाहते हैं तो आपको उन्हें बार बार बोल बोल कर पढ़ पढ़ कर याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वर्ड्स को याद करने के लिए उन्हें एक दो बार पढ़ना ही काफी है। जस्ट रीड इट वंस एंड इट विल बी मेमोराइज्ड। कैसे? अभी जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो इतना इजी है, इतना सिंपल है कि आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही इजी था और मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा, या पहले किसने इसके बारे में क्यों नहीं बताया। ये मेथड देखने में जितना सिंपल लगता है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल मेथड है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल लोगों के लिए। जब भी आपको डिफिकल्ट वर्ड याद करने पड़ते हैं, ऐसे वर्ड जो मीनिंगलेस हो, पिक्चरलेस हो, राइट, लोगों के नाम याद करने हो, एक्चुअली ये मेथड आपके लिए नया नहीं है। इस मेथड को हमने थोड़ा बहुत अप्लाई किया है फंडामेंटल राइट्स याद करने में और स्पीच के पॉइंट याद करने में, रिमेम्बर। नाउ इट इज टाइम टू एक्सप्लेन द फुल कॉन्सेप्ट इन डिटेल। हम डिटेल में बात करेंगे कि ये मेथड क्या है, राइट। अभी जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज वर्ड्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स और मीनिंगलेस वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स ऐसे वर्ड जिनको पढ़ते या सुनते ही आपके ब्रेन में एक पिक्चर फ्लैश करती है, लाइक व्हाइट एलिफेंट, मोबाइल, स्विमिंग पूल, ताजमहल, स्पाइडरमैन, मदर, फादर, स्कूल, बस, कैडबरी चॉकलेट या गोल्डन ड्रैगन। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, राइट, या आप जीके का क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो वो सब एक बार पढ़ते ही याद कैसे होगा, ध्यान से सुनिए और देखिए ये वाला एग्जांपल। सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट प्रोडक्शन के लिए जो रेडियो के इन्वेंटर का नाम है मार्कोनी। स्टेप वन, इस वर्ड को तीन चार बार बोलकर देखिए, मार्कोनी मार्कोनी, थोड़ा रुक कर बोल के देखिए, मार्कोनी मार्कोनी, साउंड्स लाइक मार्कोनी। हिट विद एल्बो मार्कोनी। मनी मैन में रेडियो और मार्कोनी के बीच एक एसोसिएशन बनाता हूँ कि जब दुनिया का पहला रेडियो इन्वेंट किया गया था तो उसे प्ले करने के लिए उस पर अपनी एल्बो से हिट करना पड़ता था या कोहनी से मारना पड़ता था। मार्कोनी मार्कोनी मार्कोनी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रेडियो के बारे में सोचेंगे, उसकी इन्वेंशन के बारे में सोचेंगे, तो ये पिक्चर आपकी ब्रेन में फ्लैश करेगी कि रेडियो को इस तरह से अजीबोगरीब तरीके से प्ले करते हुए जब अगर आप देखेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, राइट? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। विच प्लेस इज फेमस फॉर कोल माइंस, कोयला या कोल। देखा आपने, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लॉजिक के साथ साथ क्रिएटिव ब्रेन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी इमेजिनेशन को लिमिटेशन से आजाद कर रहे हैं। जितना आप अजीब सोच सकते हैं सोचिए, क्योंकि अजीबोगरीब चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और बोरिंग लर्निंग भी मजेदार हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, एंजॉयबल हो जाती है जब आप इस तरह से क्रिएटिव सोचते हैं। लेकिन क्या इतना अजीब सोचना जरूरी है? ये मेथड और ये टेक्निक्स हजारों साल पुरानी है, आज भी वर्ल्ड के जो मेमोरी चैंपियनशिप है
उसके जो पार्टिसिपेंट हैं और जो मेमोरी टीचर्स हैं वो इस टेक्निक की हर कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं। लाखों स्टूडेंट्स ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले 12 सालों से मैं खुद इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में अब तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि इस टेक्निक से उसके ब्रेन पर कोई नेगेटिव असर पड़ा हो या वो उसे सीखने के बाद रियलिटी और इमेजिनेशन में कंफ्यूज करने लगा हो या उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन से भर गया हो, इमेजिनेशन नहीं कर पाया हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी होगा। हाँ, ये मेथड अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, विच इज ए नॉर्मल थिंग। हर चीज जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं या जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, तो वो थोड़ा अजीब ही लगती है। क्या टेलीविजन अजीब लगता है आपको? हवा में उड़ता है प्लेन अजीब लगता है आपको? नहीं लगते। या अगर मैं मोबाइल फोन की बात करता हूँ, राइट, तो क्या मोबाइल फोन को देखकर आपको हैरानी होती है? आप मोबाइल फोन को देखकर ये तो नहीं कहते कि ये तो बहुत ही अजीब है? लेकिन जरा सोचिए, आज से 20 साल पहले अगर कोई आपसे ये बोलता कि मार्केट में एक ऐसा डिवाइस आने वाला है, केमिस्ट्री या बायोलॉजिकल वर्ड्स याद करना चाहते हैं या केमिकल रिएक्शन या मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोसेस याद करना चाहते हैं, तो वो सब इसी मेथड से मेमोराइज कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नेल्सन सेल इज मैन्युफैक्चरर ऑफ NaOH। एग्जांपल लास्ट एग्जांपल पे हैं यहाँ पे कि हमने कंट्री की कैपिटल याद की, कंट्री की पार्लियामेंट याद की, राइट। अब देखते हैं कंट्री की करेंसी को कैसे याद करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कंट्री का नाम है मेक्सिको, 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 मेक्सी। ये मुझे मिक्सर ग्राइंडर की याद दिलाता है, मिक्सर, मिक्सर, मैक्सी। इसकी करेंसी को कहते हैं पीसो, पीसो। एकदम से आपका ब्रेन बोलेगा पीसो यानी पीसना, मिक्सर से पीसो। मन ही मन में इमेजिन कर रहा हूँ कि मम्मी मुझे बोलती है मिक्सर में मसाला डाल के पीसो, मिक्सी में मसाला डाल के पीसो। लेकिन आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें रेत डालकर पीसना शुरू कर देते हैं, रेत डालकर। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है और वो आपको आने वाले किसी लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने ऐसा क्यों किया, राइट। यहाँ पर हर जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, एक सोचा समझा लॉजिकल प्लान है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देने के लिए, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर किया गया है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएं। सो डोंट स्किप एनी लेसन, एवरी लेसन इज इम्पोर्टेंट, एवरी एग्जांपल इज इम्पोर्टेंट। राइट, कैसे काम करता है? आपको अलग अलग एग्जांपल्स देके मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ये मेथड एप्लीकेबल ना हो। हर तरह की एब्स्ट्रैक्ट, डिफिकल्ट, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन आप इस मेथड से मेमोराइज कर सकते हैं। आने वाले किसी लेसन में मैं आपको जीके याद करने की कुछ और एग्जांपल्स दूंगा। देन वोकैबुलरी कैसे याद कर सकते हैं, वोकैबुलरी इसी मेथड को अप्लाई करके ये भी हम सीखेंगे, और डिफिकल्ट टर्म्स वाले क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेंगे जिनमें डिफिकल्ट वर्ड्स हो, मीनिंगलेस वर्ड जो आप समझ नहीं पाते, ऐसे वर्ड्स को कैसे याद करें, ऐसे क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें, इसी मेथड को अप्लाई करके वो भी हम सीखेंगे। और इन शॉर्ट ये मेथड आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, बस आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचना होगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए काम करता है और कौन सी चीज आपके लिए काम नहीं करती, उसके लिए कुछ नया ट्राई कीजिए। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, जस्ट बी क्रिएटिव। आप अपने ब्रेन को कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों से कहीं बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपको आसानी से मेमोराइज हो रहा है, एक बार पढ़ते ही मेमोराइज हो रहा है। लेसन के बाद कुछ चीज जरूर सोचेगा कि अभी अभी जो आपने अचीवमेंट हासिल की है उसका क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ये जो क्रिएटिव तरीका आपने अभी भी सीखा है उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग माई फ्रेंड, विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस यू विल बिकम बेटर एंड बेटर इन दिस मेथड। अभी हम इस लेसन को अभी क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।
तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।